हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज आप लोग को मैं बताने वाली हूँ फेस पैक एट होम। तो घर पे आप घर की चीज़ों को यूज करके अपने स्किन में खूबसूरत सा साइन एंड ग्लो ऐड कर सकते हो, अपने एक्ने पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो, ब्लैकहेड्स को रिमूव कर सकते हो, छाइयां, पिगमेंटेशन, सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो हमेशा के लिए। बस आपको ये फेस पैक घर पे बनाना है एंड यूज करना है। कैसे कैसे करना है सब कुछ प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आ रखा है और मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया, बस लिपस्टिक ऐड किया है ताकि थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के अच्छा लुक आता है। इसलिए तो आपको भी ऐसा ग्लो चाहिए तो आप ये होममेड रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, एप्लीकेशन कैसे करना है और सब कुछ अच्छे से बताया गया है। ये जो माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन होता है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम मुझे भी है बट मैं डेली चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाती हूँ जिसकी वजह से नहीं रिमूव हो पाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाहरी देखभाल से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अंदर की तरह अंदर से हेल्दी होना। तो उसके लिए आपको दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है और फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना ही करना है, तभी जाके आपको ग्लो मिलेगा। सिर्फ फेस पैक या फिर बड़ी महंगी महंगी चीज़ें यूज करने से नहीं होता है, आपको अंदर से हेल्दी होना होगा। अंदर से ग्लो करेंगे तभी आपका बाहर का स्किन भी चमकेगा। तो कैसे करना है ये अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। 4 लीटर पानी आपको हमेशा पीना है पर डे। उसके लिए आप चाहो तो 4 लीटर पानी अलग करके रख दो, एक रूटीन बना लो कि मुझे इतना पानी पीना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके लिए इजी हो जाएगा और आप आसानी से 4 लीटर पानी पी पाओगे। उसके बाद से आपको अपने बालों में और अपने चेहरे में काफ़ी अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह जरूर ऐड कीजिएगा अपने दैनिक फूड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, नहीं किया बहुत ईजी है, नीचे जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको ऐसी ही वीडियोस पर डे आपके नोटिफिकेशन पे शो होंगी और आप उन चीज़ों को देख के उसका फ़ायदा उठा पाओगे। तो चलिए देखिए कैसे बना रहे हैं इस चीज़ को। तो ये वीडियो जो ये बना रही हूँ, सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा कॉफ़ी पाउडर यूज करना है। तो कॉफ़ी पाउडर हालांकि स्टिकी हो गया था तो मैंने लेके आया था इसको 5 रुपये में, बट ये अंदर से पिघल गया था जो कि अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ। तो आप अच्छे से कॉफ़ी पाउडर, बढ़िया वाला कॉफ़ी पाउडर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वो आपकी स्किन में जो भी जितने भी डर्ट वगैरह होंगे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपकी स्किन को। ओके, तो कॉफ़ी पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद से आपको थोड़ा सा लेना है इसमें हल्दी, शहद एंड दूध और बेसन। बेसन आपके बहुत ही अच्छा क्लींजर है, बेसन से आपके स्किन का जितना भी डर्ट और गंदगी होता है वो अंदर से खींच के निकालता है, एंड जो दूध होता है वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्लींजिंग है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छे से एक पेस्ट बनाना है, थिक पेस्ट, थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई कर रही हूँ वो देख लीजिए, आपको ऊपर की तरफ से अप्लाई करना है फेस पे इस फेस पैक को। तो ये है फ्रेंड्स कॉफ़ी पाउडर, ये देखिए ये न्यू पैकेट ही था, बस थोड़ा सा मैंने इसको खोला था बट इसको मैंने ओपन किया तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो इस पैकेट को मैं खोल ले रही हूँ एंड कॉफ़ी को निकालूंगी जितना भी आ जाए। कॉफ़ी से क्या होता है कि आपकी स्किन में टाइटनिंग आता है और जो भी डर्ट वगैरह होता है उसको अच्छे से रिमूव करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा जब अच्छा वाला कॉफ़ी पाउडर आप यूज करोगे। तो मुझे तो मिला नहीं था तो मैंने इसी को यूज कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने निकाल के कॉफ़ी पाउडर को इसमें रखा, हालांकि बाद में जब इसको मैंने मिक्स किया था तो ये अच्छे से मिक्स हो गया था। तो और अच्छे से इसको निकाल ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून आपको कॉफ़ी पाउडर ले लेना है। ओके, इसके बाद मैंने लिया है शहद, हनी, हनी भी आपको 1/2 टीस्पून आप आधा चम्मच लेना है। इसके बाद मैंने ये पैकेट वाला बेसन लिया था, बेसन को आपसे आपको 2 से 3 चम्मच ले लेना है क्योंकि मैं फुल बॉडी पे यूज करने वाली हूँ क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को मैं व्रत रखती हूँ जिसकी वजह से मैं साबुन वगैरह यूज नहीं करती नहाने में। उसके बाद मैंने आधा चम्मच हल्दी लिया है, हल्दी, टर्मरिक, इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी
और इनको मिक्स करने के लिए दूध यूज करेंगे। रो मिल्क मिल जाए तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा शहद और ऐड कर रही हूँ इसमें। शहद से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्लींजिंग है। तो आप चाहो तो इसको फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो फुल बॉडी पे आप सिंपली लगा के मसाज करके वॉश कर सकते हो और ड्राई कर सकते हो तो कर लीजिए, उससे और ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे बहुत पतला पेस्ट बन गया था तो मैंने बेसन और इसमें ऐड किया। ओके, तो इस तरीके से अच्छे से पेस्ट मैंने इसको बना लिया है और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, कॉफ़ी वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको आप अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन, इसको आप पर डे भी यूज कर सकते हो, वीक में एक से दो बार भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस पैक है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सबको रिमूव करने का ये एकमात्र मैजिकल फेस पैक है, और वो भी घर में आप बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको अपर डायरेक्शन में फेस पैक को अप्लाई करना है। कोई भी फेस पैक है आप स्किन पे अपने फेस पे अप्लाई करो तो इस तरीके से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, नीचे, क्योंकि ये बाद में जब टाइट होता है तो आपकी स्किन को ऊपर की तरफ से टाइट करता है, जिससे आपका जो रिंकल्स है, एजिंग की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। डार्क सर्कल को भी रिमूव करेगा, डार्क सर्कल पे नोज के आसपास जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनको भी रिमूव करेगा। बस आपको अच्छे से ड्राई करना है, उसके बाद इसको रब करके निकालना है। आपको 15 से 20 मिनट तक इसको रखना है। गर्दन का जो कालापन होता है उस पर भी आप इसको पर डे यूज कर सकते हो, जिससे कि ये आपके आईज के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैं इसको गर्दन पे भी अप्लाई कर रही हूँ और अपने हाथों पे भी अप्लाई करूँगी। ओके, तो इसको मैं हाथों पे भी इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स लगता है कि स्किन डल हो गई है, डेड स्किन आ गया है, उन सारी जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो अच्छे से आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाने के लिए। कोहनी का जो कालापन होता है वो भी इससे काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। तो पूरा फेस पैक मैंने अच्छे से अप्लाई किया और ये देखिए पूरे हाथों पे और इस तरीके से फेस पे अप्लाई कर लिया है। अब इसको 20 मिनट रखेंगे एंड वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है, बहुत खिंचा खिंचा सा फील हो रहा है। अब इसको रब करने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी रब कर सकते हो, हल्का पानी डाल के सर्कुलर मूवमेंट में पूरा अच्छे से इसको लूज करेंगे और उसके बाद से पानी से वॉश करेंगे। देखिए हाथों में कितनी अच्छी सी साइन आ रही है, आपको फील हो रहा होगा, ऐसे ही आपको स्किन पे भी साइन फील होगी और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो आप ये रेमेडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और यूज तो पक्का कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टा पे अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हो। तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो मैंने फेस वॉश को वॉश कर लिया है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा मुझे फील हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। इसको डे बाय डे यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा आपको और आपकी स्किन के लिए, एंड फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए यूज कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि जिनको भी इन सब ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है वो अपनी स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट बना सके घर पे ही, जो पार्लर में इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घर पे इन सब चीज़ों से अपने स्किन को ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ एंड बॉडी को भी फेयर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सेकंड चैनल पे जरूर जाइएगा सिलाई से और ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।